अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैर खैरियत से होंगे और दिन अच्छे गुजर रहे होंगे और इसके साथ साथ हमारे व्लॉग्स वगैरह भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये हमारा छोटा सा मिनी गार्डन जो हमने छत पे बनाया हुआ है, घर का थर्ड फ्लोर है, उसके ऊपर जो है मैंने सेटअप किया हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता इसको हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, बीच में चीज़ें ऐड कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं आज माशाल्लाह काफ़ी खुश हैं, भागते दौड़ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं आपको भी, और वो इसलिए खुश हैं कि इनके लिए जो है मैं नया कैच बनवा रहा हूँ, तो जल्द अज़ जल्द इनको मैं यहाँ से ट्रांसफ़र कर दूँगा और बजीज भी हम लेके आने वाले हैं। इसके अलावा मेरे सेंटिनेंट्स भी जो है अपना घोंसला बनाने में लगे हुए तकरीबन 1.5 साल से, अभी तक इनका घोंसला नहीं बन रहा, और जब वो घोंसला बनेगा तो फिर जो है इनका इरादा है कि ये अंडे वगैरह देंगे, अदरवाइज़ अभी तक इनका कोई भी प्लान नहीं है कि ये जो है अंडे वगैरह दें। तो ये मेल साहब जो हैं ये बस यहाँ से मुझे घूरते रहते हैं, ताड़ते रहते हैं और यहीं पे जो है वो मौज मस्ती करते रहते हैं। बाकी अंडों का भी इनको कोई प्रोग्राम नहीं है, ब्रीडिंग सीज़न क्योंकि ऑफ है, लेकिन स्टिल हमारी एक पिजन फैमिली ऐसी है कि जो एग दे के बैठ चुकी है ऊपर, और जो हमारे फेंटल पिजन्स हैं अब उनकी तरफ भी चलते हैं जी। इसके साथ साथ हमारा ये छोटा सा मिनी गार्डन है जिसमें हमने मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ की हुई हैं, बेल लगाई हुई थी फलियों की, वो ड्राई हो चुकी है लेकिन टॉप जो उसका अभी भी ग्रीन है। इसके अलावा हमने लगाई हुई है ग्रीन टी और बाकी कुछ प्लांट्स हैं, और इसके बाद मिंट है, लेमन्स लगे हुए हैं यहाँ पे हमारे पास, और इसके अलावा एलोवेरा फैमिली मौजूद है, और बाकी ये फ्रूट ट्रीज हैं छत के ऊपर लगाए हुए हैं, और ये लेमन एक और हमारे पास है। तो आए चलते हैं जी अपनी फैमिलीज़ की तरफ, बर्ड्स फैमिलीज़ की तरफ। तो यहाँ पर हमने रखा हुआ है शेरू और उसकी वाइफ को, तो अब ये दोनों जाएंगे कल, इन दोनों ने जो बाजरा गिराया था उस कॉर्नर में सिलेंडर के पास, अब इन्होंने वो खाना है जी। इसके साथ साथ हमारी ये है रेसर फैमिली, और ये सारे जो हैं पाकिस्तानी रेसर फैमिलीज़ हैं, रेसिंग पिजन्स हैं, इनको हवाबाजी में या जब भी बाजियाँ वगैरह लगती हैं तो उनमें इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेरा कोई इस तरह का ऐसा सीन नहीं है, तो इनको मैंने वैसे पाला हुआ है। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है फैंटल फैमिली, और फैंटल फैमिली प्लस इन्हें लक्के भी कहा जाता है, इंडियन और अमेरिकन जो हैं ये ब्रीड के हैं, और ये जो है मेरे पास जो है वो इंडियन है। तो ये वाइट जो फीमेल है ये अंडों पे बैठी हुई है, इसने अंडे दे दिए हैं, ये सामने इसका बेबी है, वो भी बेबी है, वो फीमेल है, ये मेल है, और हमारे पास ये किंग पिजन जो है हमारा फैंटल का, वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास जो हैं जी वो जर्मन लॉन्ग फेस पिजन्स हैं, और कुछ जो हैं हमारे पिजन्स अभी हवा में, और ये भी हैं रेसिंग पिजन्स, आपको नज़र आ रहे होंगे ये चक्कर लगाते हुए छत के करीब करीब, तो ये हमारे बिल्कुल करीब आ चुके हैं। तो ये हमारे जो हैं जी रेसिंग पिजन्स हैं, हवा में अभी इनको छोड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पर राउंड वगैरह लगाते रहेंगे। इसके अलावा चलते हैं जी हमारे जर्मन लॉन्ग फेस पिजन्स की तरफ, तो ये जो हैं काफ़ी नाराज़ रहते हैं, और वह कुछ शाये किस्म के कबूतर हैं इनको, लेकिन आप अगर गलती से भी आज़ाद छोड़ देंगे तो ये वापस कभी भी नहीं आएंगे, ये वफ़ादार किस्म का परिंदा नहीं है, ये भागने वाला है। बाकी पिजन्स जो होते हैं वफ़ादार होते हैं, वापस आ जाते हैं, जैसे हमारे ये पिजन्स हैं डेली उड़ते रहते हैं और शाम में जो है उतर जाते हैं फिर, और ये जो हैं ये वफ़ादार नहीं है। फली की जो बेल है वो भी हमारी छत तक आ चुकी है, आप देख सकते हैं। इसके साथ मैंने ये वायर लगा दिए क्योंकि यहाँ पर हमने एक शेड अच्छा सा बनाना है, तो ये आ चुके हैं जी छत के ऊपर से चक्कर लगा रहे हैं। तो इधर हमने जो है वो शेड बनाना है जी इसी के साथ, और यहाँ पे ताकि पूरी जो है ऊपर तक इसका छत बन जाए, तो बड़ा ग्रीन और ख़ूबसूरत कलर का ये छत होगा। शेरू और उसकी जो वाइफ है जी वो बाजरा खाने में लगी हुई है, और हमारा कैक्टस जो है ये भी बड़ा होता जा रहा है, दिन ब दिन साइज़ बड़ा करता जा रहा है, तो इसको भी देखते हैं किस तरह का प्लांट है। 10 रुपये में ख़रीदा था मैंने नर्सरी से, अभी जो है काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो दोस्तों, शाम का टाइम अक्सर मेरा इन्हीं परिंदों के साथ, इन मुर्गियों के साथ और इन बर्ड्स के साथ जो है वो गुजरता है, और इसमें यह कि दिन भर की जो थकान है या फ्रस्ट्रेशन है वो ख़त्म हो जाती है, और मैं अक्सर अपना टाइम यहीं पे गुजारता हूँ। तो आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि अगर शाम के वक्त आप लोगों के भी पास है स्पेस है, लॉन है, कुछ भी है, तो आप ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और अपने टाइम को यूज़फुल बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।